मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ गांजा के पेड़ जब्त किए हैं। वही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदला पुलिस को अलग अलग खेतों में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा के पेड़ होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद चंदला पुलिस ग्राम सराई पहुंची और अलग अलग 3 खेतों में अवैध मादक पदार्थ गांजा के छोटे बड़े पेड़ पौधे जब्त किए हैं। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया है कि सराई निवासी कमल सिंह रखवाली वाले खेत से गांजा के कुल छोटे बड़े 101 नग पेड़ मिले, तो वहीं अतुल सिंह की रखवाली वाले खेत से गांजा के कुल छोटे बड़े 127 नग पेड़ मिले तथा कुलदीप सिंह की रखवाली वाले खेत से गांजा के कुल छोटे बड़े 61 नग पेड़ मिले। वहीं कुल छोटे बड़े पेड़ 289 नग कुल मादक पदार्थ का वजन करीबन 358 किलोग्राम एवं कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने ग्राम सराई 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना चंदला में धारा 8-20 NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विधिवत कार्यवाही कर अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया। सर, चंदला थाना अंतर अवैध गांजा पकड़ा गया है, क्या मामला है? कल थाना चंदला के बछौन चौकी अंतर्गत सराई गांव है, जहां पे गांजे के पेड़ लगने की सूचना मुखबिर द्वारा थाना को दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और अन्य कई सारे थानों की टीम पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के मार्गदर्शन में बनाई गई और दबिश दी गई। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वहां पे मतलब 2 माह से लेके 2-3 साल तक के पेड़ अलग अलग खेतों में मिले और वहाँ पे 2-3 लोग जो कि पेड़ों की रखवाली कर रहे थे उनको वहाँ पे रोककर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से गांजे के पेड़ लगे हुए हैं। तस्दीक करने के बाद में मौके पे तहसीलदार पटवारी को भी बुलाया गया और संबंधित जो खेत मालिक है उनकी भी जानकारी ली गई और इस आधार पर अभी वर्तमान में जो लोग पेड़ों की रखवाली कर रहे थे उन लोगों की 3 लोगों की FIR कर ली गई है और वहां से घटनास्थल से 289 पेड़ मिले हैं जिनका वजन लगभग कराया गया, जिनका वजन 358 किलोग्राम रहा है, कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इसके बाद आगे इस पर विवेचना की जा रही है, संबंधित खेत मालिकों के खिलाफ भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।